रायपुर की ग्रामीण विधानसभा सीट, ये वो सीट है जहां पर कई लोगों की, कई दावेदारों की नज़र है। हालांकि कांग्रेस में जहां तक 99% सत्यनारायण शर्मा का फाइनल माना जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी है इसमें फिलहाल अभी तक रुख साफ नहीं हो सका है। ऐसे ही एक दावेदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपको, आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आप संगठन में, भाजपा में कब से काम कर रहे हैं? मैं जब से मेरी पढ़ाई हुई है तब से मैं राजनीतिक परिवार में होने के कारण पार्टी काम कर ही रहा हूँ, लेकिन संगठन में पदाधिकारी के नाते मैं 1996 से भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर ग्रामीण जिले के उपाध्यक्ष के तौर पर अपना करियर प्रारंभ किया है और तब से लगातार 5 कार्यकाल तक मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर ग्रामीण जिले के विभिन्न पदों में रहा। उसके बाद भारतीय जनता मजदूर महासंघ का प्रदेश महामंत्री का दायित्व भी मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद भारतीय जनता मजदूर मोर्चा, उसका भी प्रदेश महामंत्री का निर्वहन मैंने किया है। यही मेरी, और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी रायपुर ग्रामीण जिला के जिला महामंत्री के पद का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। सर, चूंकि आपको एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो आप रायपुर ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? रायपुर ग्रामीण विधानसभा जब परिसीमन नहीं हुआ था उस समय ये हमारे रायपुर ग्रामीण जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंतर्गत ये 3 मंडल आते थे हमारे। तब से मैं यहाँ पे सक्रिय हूँ, बिरगांव मंडल, मंदिरसौद मंडल और रायपुर ग्रामीण मंडल। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्य मैंने बहुत ही लगन से, मेहनत से यहाँ पे किया है। जिस समय जोगी जी का शासनकाल था उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष राजेश मूणत जी के नेतृत्व में हमने सभी जगह युवा मोर्चा का गठन करके उस दमनात्मक सरकार का बहुत विरोध किया था और हर जगह भारतीय जनता युवा मोर्चा एक एक बूथ पे हमने खड़ा किया था। यही हमारी उस समय की उपलब्धि है। रायपुर ग्रामीण में जो है फिलहाल सिटिंग MLA कांग्रेस के हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर क्या दिक्कतें हैं लोगों को जो सामने आ रही हैं, और आप क्या चाहते हैं कि ये काम होनी चाहिए? रायपुर ग्रामीण का दुर्भाग्य रहा है कि वहाँ पे कोई विकास पुरुष नहीं हुआ अभी तक। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मंदिर हसौद क्षेत्र में माननीय श्याम बैस जी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, वहाँ भी मैंने बहुत सारे चुनावों में काम किया है, देखा है। ये विकास इनका मुद्दा नहीं रहता, इनका, इनको हम लोग उस समय छठी नेता के नाम से जानते थे और लोगों ने इनका नाम झूठ नारायण रखा था। कुछ लोग सिर्फ अपने पद के लिए राजनीति करते हैं, उनको जनता से, क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ अपनी पहचान, अपनी रुतबे, अपने धौंस के लिए राजनीति करते हैं, उनमें से एक हैं। सर, इस बार जहां पर देखते हैं कि सत्ता विरोधी लहर कई जगह देखने को मिल रही है, लोग भी कहते हैं कि सत्ता विरोधी लहर है यहां पे छत्तीसगढ़ में, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भाजपा कितनी सीटें ला पाएगी? सत्ता विरोध का लहर मुझे यहां नहीं लगता। सत्ता विरोध का लहर जब होता है जब कोई सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हो या उनके कार्यकर्ता बहुत कुछ अति कर रहे हों या कार्यकर्ता भी भ्रष्टाचार में लिप्त हों। हमारा सौभाग्य रहा है कि इस 3 कार्यकाल में हमारे किसी भी नेता के ऊपर, किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर इस प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक एक वर्ग का ध्यान रखकर सबके लिए सभी प्रकार की योजनाएं लॉन्च की है और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता हमारी सरकार के एक एक योजनाओं का जन्म से लेकर मृत्यु तक फ़ायदा उठा रही हैं, और यही हम लोगों का संबल है और इसी के कारण हम फिर से वापस आएंगे। कितनी सीटें आएंगी? पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और ताज़ा वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।